श्री पारस फैशन वर्ल्ड, रिश्ता वही खुशियां नहीं, एक वेला अवश्य भेट्या। स्थिति अभी है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उस बीमारी से लड़ाई करके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन हमें बहुत तसल्ली भी मिली कि हम लोग बिल्कुल पेशेंट की तादाद जो थी बहुत कम होते नज़र आ रही थी, लेकिन अभी गए कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि लोग पूरी तरीके से भूल गए हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी इस मुल्क में थी और उसकी कीमत उन्हें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि मुझे अभी बताया गया अपने हेल्थ ऑफिसर ने कि अभी यहाँ पे मालेगांव में भी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। मुझे सब लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि पिछले साल काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की मदद की, डॉक्टर्स वगैरह ने भी बहुत काम किया है, लेकिन अभी साल भर के लॉकडाउन के बाद, साल भर के तकलीफ़ों के बाद हर किसी का जो स्टैमिना है, हर किसी की काम करने की जो क्षमता है उसमें भी काफ़ी असर हुआ है। पहले एनजीओज वगैरह बहुत मदद करते थे, 10-10.5 लाख लोगों का खाना हमें एनजीओज ने दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कभी खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी वापस यहाँ फैल गई तो क्या हशर होगा और कौन किसकी मदद कितनी करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि जो कुछ भी सावधानियाँ लेनी है, जो कुछ भी आपने मास्क का यूज़ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, या जब कभी आपके घर में से कोई आदमी बीमार होता है तो उसे इमीडिएटली अपने अस्पताल में भर्ती करना, वो उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन दे देना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी ये भी बात है कि जो कुछ भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से SMS आ रहा है, उन लोगों ने वैक्सीनेशन ज़रूर करके लेना चाहिए। मैंने खुद ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है और दूसरा डोज भी मैं लेने वाला हूँ, ये बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं। अभी तक तकरीबन 35,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है अपने ज़िले में, एक भी आदमी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई है। तो किसी भी जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या हो रही है वो उस पर बिल्कुल यकीन ना रखे। तो ये दोनों अगर हम तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये साल अपना अच्छा जाएगा। या तो वापस जब लॉकडाउन हो सकता है या वापस कुछ पाबंदियाँ आ सकती है या वापस सब कुछ बंद हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले साल जितना ज़िंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि पिछले साल काफ़ी मदद एक दूसरे की हो गई, लेकिन जो मदद करने वाले हैं वो भी ये लॉकडाउन के बाद अभी काफ़ी परेशान हुए हैं और उनके पास भी इतनी मदद करने की मुझे नहीं लगता है कि सामग्री वगैरह है। तो सब लोगों को मेरी ये बिल्कुल गुजारिश है कि ज़रा सावधानी बरतनी चाहिए। श्री पारस फैशन वर्ल्ड, रिश्ता वही खुशियां नहीं, एक वेळा अवश्य भेट द्या। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधगुरु चॅनल सबस्क्राइब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।